स्वागत है मित्रों एंड मित्राणियों, शादी का मौसम चल रहा है, इनसे मिलिए। ये है राजा व्लॉग की शादी की वीडियो। कोरोना से भी तेज फैल रही है। कोरोना तब आया था जब किसी ने चमगादड़ खा लिया था, और इनकी शादी की वीडियो तब आती है जब ये अपना स्पेशल दिन खजाते हैं, शादी का दिन। ओह, ये गाने क्यों गाने लगा? तानसेन का फूफा, शादी तो कर ले पूरी वरना सच में अजनबी रह जाएंगे। बस यही देखना बाकी था। मैं दूसरों की शादी में जाके मोबाइल तक नहीं निकालता कि मूवमेंट चल रहा है, एंजॉय कर लो। और एक तरफ इसको देखो, फटी पन्नी में से बहती हुई धारा, सिंदूर लगाते लगाते गाने गाने लग गया। एक्सप्रेशन ऐसे देता है खुद को माधुरी दीक्षित समझता है। ऊपर से बिचारी नई नवेली बहू को डांट दिया, स्माइल नहीं करी उसने तो। स्माइल करो, मेरी तो बेटी की शादी है, मैं कुछ बोल नहीं सकता इस नकली गेंडे के अंडे को, वरना ऐसो के तो मुंह पर फूल मार देता हूँ गमले समेत। अर्ज किया है, अंकल चुप ना रहो जो है दिल में सब कह दो, अंकल चुप ना रहो जो है दिल में सब कह दो, पीछे ही तो खड़े हो, उल्टे हाथ का घुमाओ और खींच के दे दो। मुझे पता है नॉर्मली लोग अब कमेंट में आके बेचारे राजा व्लॉग्स को बोलेंगे कि बेचारी नई नवेली दुल्हन को डांट दिया, पर मैं राजा व्लॉग्स भाई के साथ हूँ। भाई साहब सही तो है, बेचारे ने लड़की ढूंढते वक्त देखी नहीं है, ऑडिशन लिए हैं कि कौन सी लड़की सही से लिपसिंग कर सकती है, और यहाँ जैसे ही मूवमेंट आया स्टेज पे खड़ा किया, परफॉर्मेंस करने से मना कर दिया। ये थोड़ी चलेगा ना, नक्को बिल्कुल नहीं। अरे थम्बा, आंटी जी तो टाइम ट्रेवलर निकली, अभी तक पास्ट में ही बैठी है, संगीत ही खत्म नहीं हुआ आंटी जी का भी। आंटी जी भजन नहीं चल रहा है, के बेटे की उल्लू हरकतें चल रही है, ऊपर से वो बाजू में खड़ी हुई आने वाली पीढ़ी की खराब नस्ल। वाह, ऑडिशन दे रही है बेटी या फिर शादी की पूरी सब्जी चढ़ गई। क्या भूली, पूरे एक्सप्रेशन दे दी। पहले भी भैया ने एक बार कोशिश करी थी, पर उस समय ट्रेलर आया पर मूवी फ्लॉप हो गई, मतलब कैंसिल हो गई, बनी नहीं पाई। ये बिचारी सच में अजनबी रह गई, इसने पहली ही रील पे मना कर दिया कि इस रील वाली शादी से मैं आउट हूँ, तो प्लीज भाई मुझे घर जाने दो, मुझे अपने घर जाना है। बारात, तू तो राशन लेने आया था खजूरी चले, और ये छिछोरापन यहाँ नहीं चलेगा। पिछवाड़े पर तवा रख के काली मिर्च का झोंका लगा देते हैं अपन अब तक, वो तो तूने पैसे दिए तो माफ कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ग्यारह समस्तीपुर से, तो आइए मिठाई बन रहा है यहाँ पे, देख सकते हैं आप लोग। आइए का क्या मतलब है, कढ़ाई में कूद जाके? एक सब्सक्राइबर कढ़ाई में गया छपा। और भाई ये मिठाई छोड़, पीछे बता अंकल ने कौन सा होमवर्क नहीं किया, मतलब पिताजी ने डांस करने से मना कर दिया था क्या एक आध रील में, जो ऐसी सजा दी अटेंशन में खड़े रहने के लिए। मिठाई बनानी आती नहीं, तेंदुए के झूठे पपीते को चमचा छीन लिया मुझसे वीडियो बनाने के लिए, बेटा ना होता तो कढ़ाई नहीं बैठा देता इसको, फिर सारे एक्सप्रेशन अपने आप निकल जाते। तो भाई साहब बेचारे के दिलो दिमाग में व्लॉगिंग ऐसी भरी हुई है कि उसका नाम भी राजा के आगे कोई सरनेम नहीं है, राजा व्लॉग्स है। और वीडियो चालू होते ही उस सेकंड क्लास के मुतरे बच्चे की तरह बोलने लग जाता है जिसने पेंट में पॉटी कर दी है, और अब उससे कोई पूछ रहा है कि कहां घर है, क्या नाम है, कहां छोड़ के आए। राजा व्लॉग समस्तीपुर बिहार, समस्तीपुर वाले भी इसको अपने गांव से बाहर निकालने का रास्ता ढूंढ रहे होंगे कि भाई साहब इसको जल्दी से बाहर निकाल दो, इससे पहले कि ये पूरा गांव बदनाम कर दे ऐसे बार बार नाम ले लेके, वरना लोग अपनी लड़कियों की शादी नहीं करेंगे कि पता लगा हमारी बेटी बेचारी सिंदूर के इंतजार में बैठी है और दामाद गाने गा रहा है। क्या बोले मिल कर क्या बोले, जो सात फेरे होते हैं ना उसमें तक तो गाने गाए भैया ने। अच्छा हुआ बता दिया कि वाइफ के साथ फेरे ले रहा है, मुझे तो लगता था ससुर के साथ फेरे लेते सब, मैं तो ससुर ही समझ रहा था, दाढ़ी मुच्छी कटवा के ससुर खड़े। और अच्छा हुआ कि ससुर के साथ फेरे नहीं लेने रहते, वरना इतना सब तो ससुर झेलता भी नहीं, रसम के बीच में इधर को भसम कर देता कि रील बनाएंगे। बाकी मिसेज राजा व्लॉग के बारे में तो मानना पड़ेगा सहनशीलता बहुत ज्यादा है भाई। अरे हम तो ठीक है पगली, तुम बताओ तुम ठीक हो या नहीं, क्योंकि इतनी मजदूरी तो मेरे जॉब वालों ने मुझसे नहीं करवाई जितना तवे पर उछलता हुआ भट्टा करवा रहा है तुमसे। रील बनाने का टाइम नहीं मिला ना दोस्तों, तीन महीने से साफ फिरा लेते लेते बनाने की पंडित जी को। रील बनाने का टाइम नहीं मिला, अबे तू पागल है क्या या हमें पागल समझता है? सुबह उठ के दांत पे साबुन रगड़ता है, ब्रश पूरी बॉडी पे रगड़ता है, और नाश्ता करते वक्त नाश्ते में झाड़ू खाता है, और घर के जो बच्चे उन्हें अलमारी में रखता है, और कपड़े पलंग पे सुलाता ही है। तेरे को समझ भी आ रहा है तू क्या बोल रहा है? रील बनाने का टाइम नहीं मिला, रील बनाने का अबे हम देख नहीं पा रहे इतनी तेज जितनी तेज तू डाले जा रहा है धड़ धड़, और इतनी बार तो दूल्हा दुल्हन में अपने घर की शादियों में नहीं देख पाता हूँ जितनी बार तेरी शादी में देख लिया, और तेरे ये गाने दो अनजाने अजनबी मेरे सपनों में बजते हैं, और उसमें भी तू चड्डी पहन के खुद के सिंदूर लगा के भाग रहा होता है इधर उधर, ऐसे डरावने सपने आ रहे हैं मुझे तेरे चक्कर में, और कहता रील बनाने का टाइम नहीं मिला। पूरी की पूरी शादी में इतने फंक्शन नहीं होते जितनी तूने रील बना दी है, और बोल रहा है रील बनाने का टाइम नहीं मिला, तेरा बस ना चले मरे हुए आदमी की छाती पे बैठ के गाना गा दे तू रोने वाले, और क्या पता भाभी वही कह देगा दो अनजानी अजनबी पगले। और रील बनाने का टाइम नहीं मिला का क्या मतलब है? अगर मिल जाता तेरे हिसाब से तुझे टाइम, तो क्या तू ऐसे कपड़े पहन के नाचने वाला था शादी में?
मैं जब शादी में भी नाचता हूँ ना तो भी देख के नाचता हूँ किसी को पैर हाथ लग ना जाए। और एक ये आदिकाल का बूढ़ा भेड़िया धक्का मार मार के अपनी मम्मी को दीवार में ठोक देगा। भाई थोड़ा आराम से नाच ले। बाकी हाँ दोस्तों, शादी में मैं सच में नाचा था, भरोसा ना हो तो इस व्लॉग पे जाके देख लेना। पर वहां पे बस मेरा डांस वगैरह ही दिखेगा, मजे दिखेंगे, ऐसी हरकतें नहीं दिखेंगी जैसे ये करता है। ऐसी मैं नहीं कर सकता, सॉरी, आई एम सॉरी। सोचो तुम्हारी नई नई शादी हुई है, तुम्हें पता चलता है कि पति वीडियो बनाता है, चारों तरफ से रीले बन रही है। तुमने सह लिया कि ठीक है कोई बात नहीं, रीले बन जाने दो, थोड़ी सी और शादी बची है फिर फुर्सत हो जाएंगे। तुम जैसे ही अपने कमरे में गए, आराम से बैठे हो, अब तुम सोच रहे हो कि बस पति आएगा और दूध वूध पी के सो जाएंगे। पर नहीं, तभी सामने से गेट खुलता है और एक बालक बुड्ढी अजीब सी थुड्डी वाला पति नामक आदमी कैमरामैन के साथ तुम्हारे कमरे में दस्तक देता है। क्यों? घूंघट उठाने के लिए। सुहाग रात में तो कैमरामैन लेके मत जाता, तू हर जगह उसको लेके जाता है क्या? और अगर हर जगह उसको ही लेके जाना था तो उसी से शादी कर लेता, उस बिचारी से क्यों शादी करी? और हाँ, ये कैमरामैन को एरोप्लेन में भी लेके जाता है। एक मिनट के लिए अपना टिनी मिनी छोड़ दो और बाजू में देख लो, बिचारी वो एरोप्लेन में सफर करने आई थी, वो यहाँ पे ऑटो ट्रक और ये क्या कहते हैं बस की प्लेलिस्ट सुनने नहीं आई थी, सर पकड़ के बैठी है लिटरली बिचारी। और इन लोगों ने अगर अपने शादी का एल्बम डाला ही था इंस्टा पे तो लाइन से तो डालते, कहीं बस में बैठे हैं, कहीं कार में बैठे हैं, कहीं वापिस शादी होने लग गई, कहीं एरोप्लेन में आ गए, कभी वापिस सिंदूर लग रहा है कि जमा तो दो कम से कम। ऊपर से जब कैमरामैन को सुहागरात वाले रूम में ले जाके दिल नहीं भरा तो पूरी फैमिली बैठी है उसके साथ वहां, क्योंकि रील भी तो बनानी है, अब तो टाइम मिला होगा। इश्क का इजहार कर, इश्क इससे ज्यादा तुझे कोई नहीं कर सकता मेरे भाई, जितना उसने झेल लिया है ना शादी में, रीले वीडियो व्लॉग कोई नहीं झेल सकता। इसके अलावा कोई और लड़की होती तेरे सहरे से तेरी सांस रोक के निकल जाती वहां पतली गली से, पर वो अभी तक वहां बैठ के तुझे झेल रही है। ऊपर से तूने वो लव लव का तकिया लेके कार्टून बना के बिठा दिया बिचारी को, पर वो अभी भी झेल रही है। पर इस भस्पोंदा मोन का मन इतने से व्यूज से कहां भरने वाला था, अभी शादी के व्लॉग खत्म नहीं हुए थे, प्रेगनेंसी के चालू हो गए। मेरी वाइफ प्रेगनेंट है, शर्माता हुआ दिल और फटाके फूटता हुआ सेलिब्रेशन और एक बच्चा क्वेश्चन मार्क, हमसे क्यों पूछ रहा है? हम कैसे बताएं तेरी वाइफ प्रेग्नेंट है कि नहीं? ये सवाल दूसरों से नहीं पूछा जाता मेरे भाई, मतलब अगर पूछना ही है तो जाके डॉक्टर से पूछिए, डॉक्टर थोड़ी बैठे हैं। और तू अगर पूछेगा कमेंट में तो बैठे ही रहते हैं दो चार धोती फाड़ने के लिए, तू पूछेगा वो बोलने भी लगेंगे भाभी तो नहीं हमें, तू जरूर प्रेग्नेंट लग रहा है राजा। दोस्तों सभी लोग का कमेंट आ रहा है कि आपकी जो वाइफ है वो प्रेग्नेंट है, तो ये चीजें मम्मी जी बताएंगे, मम्मी ऑडियंस ने बोल दिया तेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, आंटी बता देंगी सही है या नहीं, तू बस रील बनाने पे ध्यान दे। और मेरे बेटे प्रेग्नेंट होता है, प्रेग्नेंट ऐसा कुछ बोल दिया उसने जो मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ लिख के भी, प्रेग्नेंट नहीं होता। आज प्रेग्नेंट बोल रहा है, कर पोम ग्रेनेट बोलने लगेगा, वो बिचारी कुछ बोल नहीं रही है तो उसको अनार बना दो तुम। घर में सिर्फ इकलौते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे खानदान में और भी जो है आपके तरीके से, आप जैसे मैं एंजॉय करता हूं, एंटरटेनमेंट करता हूं, तो हमारा कोई औलाद हो। औलाद हो एक और तेरे जैसी? भाई नहीं, भगवान करे इनके घर अगर बच्चा हो तो वो भाभी पे चला जाए, क्योंकि इसके जैसी एक और शादी का सीजन 2 हम नहीं देख पाएंगे, दुनिया रेडी ही नहीं है अभी इस चीज के लिए। कि लोग बोलते तो हैं कि शादी करवा दे सुधर जाएगा लड़का, पर लड़के को सुधारने में लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाती, क्योंकि लड़का वो कद्दू सुधरता है, इसको ही देख लो। अरे बाप रे, ये तो मेरी नाइटी पहन के घूम रहा है। ये मेरा शर्ट है, आज खुद हम खरीदे हैं, पहने हैं। अरे वाह, कितना क्यूट लग रहा है बेचारा, बचपन से सपने देख रहा था कि एक दिन शादी होगी, बीवी आएगी, बीवी के कपड़े आएंगे, फिर बढ़िया लड़कियों के कपड़े पहनूंगा, खरीद के नहीं लाने पड़ेंगे वीडियो के लिए। बेटे पहन बढ़िया, बीवी की नाइटी पहन ली, बहुत बढ़िया, ऐसे ही घूम, मैं तेरे साथ नहीं हूँ, तू अकेला घूम, अपने सपने पूरे कर, मेकअप लगाना है मेकअप भी लगा लेना, बस खुश रह तू, क्योंकि मैं तो खुश हूँ नहीं ना, क्योंकि आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते, तो वीडियो लाइक करें, फेवरेट पार्ट कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, ठीक है? बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद। और हाँ, सिमल सेमड़ा पे बनाते हैं अगली वीडियो, बहुत कमेंट पड़े मैंने। अम्मी मैं भी व्लॉग बनाऊंगा क्या? मतलब मैं बस बहाने बना सकता हूँ।